एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वन चल क्षेत्र के लोग मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सरकार बदली हालात नहीं, जिले के नगरी विकासखंड के वंचल क्षेत्र में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। जहां नगरी विकासखंड के लास्ट बॉर्डर में बसे करीब 10 ग्राम पंचायतों में आज भी बुनियादी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जहां ना तो सड़क है, ना बिजली, ना पानी और ना ही शिक्षा और ना ही स्वास्थ्य लोगों को मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत लिए उड़ीसा बॉर्डर से लगे आदिवासी बहुल नगरी विकासखंड के 10 ग्राम पंचायतों से लोग क्षेत्र की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की मांग व जंगल से आया के स्रोत के रूप में 4 तेंदुपत्ता, महुआ, हंडा इत्यादि फसलों को तोड़ने की अनुमति लेने भारी संख्या में 100 किलोमीटर दूर जिला कलेक्टर कार्यालय धमतरी पहुंचे थे। वहीं धमतरी कलेक्टर ने हर संभव मदद करने की बात कही। अब देखना ये होगा कि कब तक इन आदिवासियों को बुनियादी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी या यूं ही वोट बैंक की राजनीति में ये लोग पिसते रहेंगे। ग्रामीणों की अलग अलग मांगे हमको प्राप्त हुई हैं, तो उसको लेकर के जो हमारे पास जो योजनाएं हैं उसके तहत हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। मन अब हमार जिना खाना अभियान के नाम से आए हैं, हम अभियान हमार उठो भागो ये हिसाब से आए हैं। हमार समस्या लेके आप हमारा तो हुआ थे आना जाना बर होते, हमारा तेंदु पत्ता बर घला हुआ थे, टोरेला नहीं देते कर बा मऊहा तेंदु बजाम जंगल नहीं जाओ एक समस्या हुआ थे, बहुत होते लकड़ी झीट का घला जाते त वो गाड़ी भी में आने पर नहीं दे थे, ओकर समस्या हुआ थी ऐसने समस्या। अब यही बात है अब क्या कहते थे नहीं तो बताई सी ना बाबू योजना फायदा मिले थे नहीं मिल पाते कर तेंदू पत्ता वगैरह नहीं नहीं फायदा मिले थे नहीं मिल पाते हमला नहीं मिला थे नहीं मिल पाते हाँ नहीं मिला थे हाँ। हमारे गांव सबसे समस्या बांध सिंचाई बांध होना चाहिए। हमारे गांव में इतना रेती ही रेती खेत में पटा इतना पटा है, धान भी कम ही होता है, मतलब हर एक साल वही गति है। मेन का समस्या है? मेन समस्या हमारे गांव में सिंचाई बांध होना चाहिए, बहुत सारा बिजली पानी के दूसरा मुद्दा है, पानी की भी समस्या है और कुआ ऐसे टिप है, एक नल है और वैसे हर आदमी उसी नल से ही यूज करे तो समस्या होती दिक्कत बहुत दूर दूर है। मतलब कलेक्टर साहब का बोली सर मुलाकात, मैं तो पहले एक लेटर पे भी दे रहे कलेक्टर साहब से शिविर में, पर सुनाई नहीं कोई सुनाई नहीं कोई सुनाई पहले हमारे क्षेत्र में अभी तक मूलभूत से सुविधा नहीं है। आज 70-71-72 साल हो गए कोई सुविधा नहीं, आने जाने का सुविधा है, सड़क बिजली पुलिया पानी अच्छा। दूसरी बात एक तरफ बोलता है सरकार की 4000 मानक बोरा दूंगा तेंदुपत्ता में, हमारी तरफ इतना भरमार तेंदुपत्ता है और हम ही लोग तोड़ नहीं सकते, तोड़ने नहीं देते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि आमा बहार में तेंदुपत्ता फड़ खोला जाए। अभी सरकार ने आश्वासन दिया है, कहाँ दिया है जी, वो तो अभी तेंदुपत्ता बूटा भी कटवाते हैं ना, वो भी तो कहाँ है, अभ्यारण क्षेत्र करके नाम लेकर के दुनिया भर के बहाने ही करते हैं। इस बात को लेकर क्या कितने बार कलेक्टर आ चुके हैं, अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? अभी तक तो कार्रवाई नहीं हो रहा है, दो बार हो गया है कलेक्टर में आकर आवेदन दे रहे हैं ना, क्या कारण है? सरकारी जाने क्या कारण दे रहे हैं अवशासन, लेकिन देना चाहिए लोगों के लिए मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए है ना। ये तेंदुपत्ता का लाभ तो मिलना चाहिए हम लोगों को भी, हमारे तरफ इतना तेंदुपत्ता है 4 चिरंजी सरईदार, उसका अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको परमिट नहीं दे रहे हैं खोलने का, इसलिए खोला जाए हमारे बाहर में तेंदुपत्ता का फल। मैं हाँ पानी समस्या लेके आहन और रोड है, लेकिन मोर गांव के मुद्दा है पानी, पानी बिल्कुल नहीं मिले, 3 नल हवे लेकिन नल में पानी भी नहीं है, और हमन हा अभी ना लाइन कतार लगे रहन पानी बहाओ एकदम दिक्कत, तो
खुला पानी लेके पीथन डबरा है झरिया नदिया उल्टी दस्ता वगैरह कई प्रकार की बीमारी होते रहते हैं हमारे गांव में भयंकर बीमारी अभी तक कोई सुने चे नहीं हमन हा शासन से सुविधा मिले करके चाहत हन लेकिन हाँ हाँ पेयजल की व्यवस्था हो करके सोलर वाटर के मांग करे बार आहन लेकिन कलेक्टर कर अभी दो एक बार आहन लेकिन नहीं हो पाते हाँ सब वैसी पीते हैं और 150-200 के आस पास हन जनसंख्या हाँ गड्ढा तो भयानक है हाँ नदी से लेके पी था झरिया खोद के अब तो भयंकर आऊ समस्या बढ़ जही अब अभी आगे है समस्या कि रिजगांव क्षेत्र को अभी तक के जहां उस क्षेत्र में 36 ग्राम बसा हुआ है कोई गांव 200 साल हो गया कोई 300 साल हो गया लंबे समय तक के हम लोग हमारा ही समाज वहाँ निवासरत है अन्य समाज भी उस में निवासरत है लेकिन आज 70 साल हो गया भारत को आजाद हुए उस गांव को अभी तक के न तो आवागमन का सुविधा प्राप्त हुई है न बिजली का सुविधा प्राप्त हुई है न पानी का सुविधा प्राप्त हुई जो मानव को एक मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए ढेर सारे सरकार आई चली भी गई सिर्फ हम विकास कर रहे हैं विकास कर रहे हैं विकास कर रहे हैं ये डिंडोरा पीटते चले आए हैं मेरा बचपना वहां गुजरा हुआ है मैं आज भी मेरे बचपना में भी जो स्थिति देखा हूं आज भी वही स्थिति में है। अभी कलेक्टर साहब क्या बोले हैं? कलेक्टर साहब दो बार आ गए मैं भी साथ में आता हूं लेकिन अभी तक की मुलाकात नहीं हुई है कलेक्टर साहब से हम लोग कलेक्टर साहब से एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर चर्चा करेंगे उस क्षेत्र का विकास के बारे में ऐसा सोच करके हम लोग आते जरूर हैं लेकिन कलेक्टर साहब नहीं मिलने के कारण में अपर कलेक्टर को आवेदन अभी थमा दिए हैं लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं एक दिन कलेक्टर साहब के साथ में डेलीगेट करेंगे और बैठ करके उस जनसंख्या करीब करीब आज 100-150 की जनसंख्या में आए हुए हैं पूरे रिजगांव क्षेत्र में करीब करीब यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ेगा 100 किलोमीटर से आए हैं और कलेक्टर साहब छुट्टी में हैं तो निराशाजनक फिर हो गया और फिर वापस हो जाएंगे वहाँ कम से कम एक सुविधा मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और ढेर सारा अभी जंगल का चार चिरौंजी है तेंदुपत्ता है जो हमारे आदिवासी मूल रूप से उसको एक मेहनत करके एक अपने आर्थिक व्यवस्था बनाता है वो आर्थिक व्यवस्था उनको मिलना चाहिए ये हमारा उद्देश्य अभी तक के परमिशन नहीं मिला है और हाँ परमिशन चाहते हैं तेंदुपत्ता तोड़ने का क्योंकि अभी एक महीना के बाद में सीजन आ जाएगा उसके पहले हमारा ये कहना है कि कलेक्टर साहब से एक बार चर्चा हो जाए और कम से कम हमारे आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए तेंदुपत्ता सीजन में तेंदुपत्ता टोराई मिल जाना चाहिए ऐसा हमारा एक उद्देश्य है। अभी गर्मी आने वाला है तो उसमें किस तरह की समस्या होगी अगर बात करें मूलभूत की पानी की कितनी समस्याएं होगी उधर? वहां तो ऐसा है भाई कि कभी कभी नाले का पानी पीना पड़ता है ना तो हैंडपंप का सही सुविधा नहीं है हैंडपंप है भी तो वहां पानी खराब है तो वहां हैंडपंप से पानी नहीं पी पाते वो लोग कई जगह एक दो गांव में अभी सोलर पंप के द्वारा लगाया भी गया है तो वहां सोलर पंप का प्लेट नहीं लगा है उसके कारण उनको पानी नहीं मिल रहा है तो मेरा ये कहना है कि वहां सभी गांव में सोलर पंप का एक प्लेट लग जाए पानी मिल जाए पीने का पानी साफ पानी मिल जाए तो कम से कम एक बीमारियों से निजात मिल सकता है ऐसा मेरा एक मानना है। गर्मी भी लगने वाला है और काफी गर्मी होने के कारण में वहां पानी पीने का काफी असुविधा होती है इसलिए मेरा एक मानना है कि उस क्षेत्रवासी हमारे समाज के लोग काफी बसे हुए हैं उनको पानी पीने का भी सुविधा मिले बिजली का भी सुविधा मिले आवागमन का सुविधा मिले खास करके वहाँ आवागमन का सुविधा आवागमन अगर सुलभ हो जाए तो काफी हद तक के वहाँ के लोगों को ब्लॉक से जुड़ने का मौका मिलेगा और उनका विकास होगा ऐसा मेरा एक मानना है।